तो देखते हैं इसका कोडिंग एक्सप्लेनेशन कॉग्निटिव लाई डिटेक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही आपके फीचर एक्सट्रैक्ट हो गए तो मॉडल ट्रेनिंग में क्या होगा कि मॉडल जब ट्रेन कर रहे हैं, अभी यहाँ पे दो फाइल्स इंपॉर्टेंट है आपके फोल्डर में। ये फाइल होगा कॉग्निटिव लाई डिटेक्शन मॉडल ट्रेनिंग वॉइस का। तो जिससे क्या होगा कि आपकी एक फाइल जनरेट होगी जिसमें आपको हर एक का ये मेंटेन करना होगा, ट्रेनिंग डेटा पाथ, नॉट लाए लाए। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे MFCC वैल्यू निकलेगी हर एक का, यूज़र के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी। MFCC आप जानते हो कि 12 वैल्यूज़ होती हैं, तो 12 वैल्यूज़ निकालती हैं। तो जैसे ही आप कोई कोड रन करोगे यहाँ से, तो फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा पाथ तक जाएगा। ट्रेनिंग डेटा जाने के बाद आपका ट्रेनिंग डेटा में लाए नॉट लाए, फिर ये पाथ से वैल्यूज़ उठा के, देखिए यहाँ पे हमने ट्रेन पाथ के लिए TXT फाइल जो यहाँ पे दी है, डेस्टिनेशन मतलब स्पीकर्स के मॉडल्स जनरेट हो गए और वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे रीड कर रहा है, जैसे ही रीड करेगा सोर्स पाथ, फिर एक्सट्रैक्ट फीचर्स को जाएगा। एक्सट्रैक्ट फीचर यहाँ पे फंक्शन है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे MFCC को कॉल किया गया, बिल्ट इन है MFCC। यहाँ पे आपको पाइथन स्पीच फीचर्स में MFCC मिल जाएगा। ऑडियो रेट, ये NFRT, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब पैरामीटर देने पड़ते हैं जिससे आपको आउटपुट जनरेट होके देगा। तो ये कंबाइन करके पूरा आउटपुट जाता है यहाँ पे वेक्टर में। तो जो यहाँ पे फीचर्स जनरेट हो गए, तो यहाँ पे GMM मॉडल बनेगा, GMM में फिट हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक यूज़र का GMM मॉडल सेट हुआ। तो उस तरीके से अगर समझ लीजिए फ्यूचर में कोई अपना वॉइस रिकॉर्ड करता है, तो जैसे वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद से ये प्रोसेस फॉलो होगा, फिर वो यूज़र कौन से मॉडल से अप्लाई होके कौन से मॉडल पे सही से काम कर रहा है या सही से आइडेंटिफाई हो रहा है वो चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप डॉट पाई में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग करते हो, हार्ट रेट डिटेक्शन, स्टार्टिंग फॉर आई ब्लिंकिंग, फिर रिकॉर्डिंग वॉइस ट्रेनिंग, वो जो था मैंने सिर्फ वॉइस ट्रेनिंग का बोला। तो ये प्रोजेक्ट में कैसे है कि आपका जो हार्ट रेट मेजरमेंट होगा वो यहाँ से अभी आइडेंटिफाई होगा। हार्ट रेट डिटेक्शन में क्या करेंगे कि जैसे ही आपका आर्डिनो कनेक्ट होता है और उसका हार्ट डिवाइस कनेक्ट होता है, हार्ट रेट डिटेक्शन में हम चेक करेंगे ये COM6 पोर्ट है, ये पोर्ट आपको चेंज करना है आपके प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग। जहाँ पे आर्डिनो कनेक्ट होगा वहाँ से हम लाइन रीड करते हैं, पर्टिकुलर लाइन रीड करने के बाद यहाँ पे डेटा स्टोर हो जाता है, यहाँ पे रिप्लेस मारा है क्योंकि डेटा आते वक्त B-bytes में आता है, उसे कन्वर्ट करते हैं। तो लिस्ट ऑफ डेटा डॉट अपेंड में डेटा वन में आता है, फिर वो डेटा प्रिंट करते हैं। तो जो डेटा प्रिंट हुआ है अभी यहाँ पे देखिए, हम रिटर्न करते हैं लिस्ट ऑफ डेटा, तो जहाँ पे हमने कॉल किया था वहाँ पे रिटर्न जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस में वो रिटर्न जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्टिंग फॉर आई ब्लिंकिंग कैलकुलेशन ट्रेनिंग यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे कॉल जाएगा डिटेक्ट ब्लिंक्स डॉट पाई को। यहाँ पे हमने पहले शेप प्रेडिक्टर 68 फेस लैंडमार्क्स डॉट डैट, ये फाइल इंटरनेट से मिली हुई है आपको, इसमें फेस के लैंडमार्क्स डिटेक्ट होते हैं। आई का ब्लिंकिंग चेक करना है तो आई के लैंडमार्क्स डिटेक्ट होना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि आपके जैसे लैंडमार्क्स मिल जाएंगे तो ये डिलीप अपना आइज़ को डिटेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे लैंडमार्क इंडेक्सेस लेफ्ट आई राइट, यहाँ पे और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं अगर हमें यूज़ करने हैं तो, फेस के जितने भी चीक्स हैं, लिप्स हैं, नोज़ है, तो यहाँ पे वो सब लिखने के बाद हमें उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंडमार्क्स मिल जाते हैं। जैसे आप वीडियो स्टार्ट करते हो, स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे देखिए करंट टाइम दिया गया है 1, तो जैसे जस्ट टाइम जाता है करंट टाइम 1 दिया गया है, तो जैसे टाइम स्टार्ट हो जाता है हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस 10 सेकेंड से बिलो है तो आगे चलेगा, अगर ग्रेटर देन जाएगा तो ये सब प्रोसेस करेगा और रिटर्न करेगा जो भी आई ब्लिंकिंग का टोटल है। अभी वो जो कोड है वो कैसे किया गया, लेफ्ट आई राइट आई, लेफ्ट ईयर राइट ईयर, इन दोनों के बीच में देखिए एवरेज द आई एस्पेक्ट रेशो टुगेदर फॉर बोथ आइज़, फिर कंप्यूट द कॉन्वेक्स हल फॉर द लेफ्ट एंड द राइट आई, देन विजुअलाइज ईच ऑफ द आइज़। अब तक विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, टोटल प्लस कर रहे हैं जब काउंटर
आई एयर कॉन्सेप्ट फ्रेम्स। देखिए यहाँ पे जो भी आई एयर कॉन्सेप्ट फ्रेम्स का वैल्यू निकाला है, यहाँ पे हमने 3 वैल्यू रखा है और आई ए आर थ्रेशोल्ड का वैल्यू रखा है 0.3। मतलब कि अगर उसका जो डिस्टेंस है अगर वो 0.3 के बिलो आया तो आपको वो एज अ क्लोज आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे जैसे टोटल प्लस हो रहा है, काउंटर प्लस हो रहा है, जैसे ही बढ़ते जाएगा और ये 10 सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड में अगर फ्रेम ज़्यादा फॉर्म हुए तो आपको यहाँ से फॉर्म यहाँ से रिटर्न में रिस्पॉन्स जाएगा जो कि यहाँ पे सेव होगा। उसके बाद आपका जाएगा रिकॉर्डिंग वॉइस, तो जो रिकॉर्डेड वॉइस है वो सेम तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड होगा आपका वॉइस माय रिकॉर्डिंग। अभी मैंने ये कमेंट किया था पर्पजली, मेरे सिस्टम में नहीं चलता तो आपके यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर ये आउटपुट डॉट वैव रन करता है। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई डिसीज, ये जस्ट फाइल का नाम दिया है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपने जो फाइल्स लगाए थे, तो जो फाइल अपना बना था उस फाइल को आइडेंटिफाइड, ये फाइल नेम में कॉल जाएगा, फिर लोडेड मॉडल, जो भी अपना मॉडल है लोड किया हुआ, लोडेड मॉडल देखिए पिकल डॉट लोड, फाइल नेम क्या है, लिनियर svm मॉडल डॉट सेव। तो जैसे ही आपका, क्योंकि आपके इसमें svm यूज़ हुआ है, तो मॉडल जो ट्रेन किया था वो gmm मॉडल प्लस svm दोनों। तो जैसे ही आपका डेटा आता है YGOT डेटा मॉडल में लोड होगा, फिर ओवरऑल पेंड करेगा डेटा, जिससे क्या होगा कि लाइकलीहुड निकलेगा कि वो किसके साथ, 1 के साथ या 0 के साथ वो लाइकलीहुड है। तो अगर 1 का काउंट ज़्यादा आया तो वो बोलेगा कि इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1 तो वो लाई है, अगर 0 आया तो वो नॉन लाई है, जिसका काउंट ज़्यादा आएगा उस तरीके से वो चलेगा। और फिर ये जाएगा रिस्पॉन्स में, यहाँ पे ऐप डॉट पाई में। तो ये पूरा फ्लो इस तरीके से चलता है, आप कोई भी बटन क्लिक करते हो। अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे फ्लास्क रन होता है। आप देख सकते हो कि ऐप डॉट पाई में पहले स्लैश रन होता है, रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को कॉल जाता है, फिर टेम्पलेट्स के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देख सकते हो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आपको ये बटन्स मिल जाएंगे, फॉर्म को कॉल किया गया, फिर रिकॉर्डिंग वॉइस ऑफ को कॉल किया, मेथड गेट यूज़ किया, फिर यहाँ पे कंट्रोल सी करोगे, यहाँ पे कंट्रोल एफ करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वॉइस ऑफ को कॉल जाएगा, जहाँ से रिकॉर्ड वॉइस होगा, आउटपुट ऑप्टेन, आउटपुट ओबीटी डॉट अपेंड पीएन, अगर वैल्यू जैसे आते रिटर्न तो वो परफॉर्म होगा फंक्शन। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये स्टैटिक फोल्डर में जो ये टेम्पलेट्स फोल्डर में एचटीएमएल फाइल होते हैं, स्टैटिक फोल्डर में जो आपका मीडिया होता है, इमेजेस होते हैं, सीएसएस होता है, जावास्क्रिप्ट, ये सब स्टैटिक फोल्डर में कॉल कर, क्योंकि यूआई आपने देखा होगा तो यूआई में इंटरेक्टिव है सब चीज़ें, कलर वगैरह ये सब सीएसएस से असाइन हुआ है, वो स्टैटिक फोल्डर में होते हैं। तो इस तरीके से ये चलेगा, जैसे वैव फाइल का डेटा आता है आपका, तो जो भी हमारे पास डेटा बना, फिर ये लीनियर svm मॉडल बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको भी ट्रेनिंग करने के लिए हमने यूज़ किया था जो डेटा था, अब देख सकते हो ये डेमो फाइल 2 फाइल दिया होगा, ये नॉन लाई लाई का डेटा है, MFCC के जितने भी फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं एक फाइल लेके, अभी MFCC का जितना भी पैरामीटर्स है आप रीड कर सकते हो ऑनलाइन, क्या पैरामीटर्स कौन से कॉलम में होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 12 पैरामीटर्स होते हैं, काउंट 12 है, 0 का मीनिंग है नॉट लाई, 1 का मीनिंग है लाई। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क होता है। फ्लो जानने के बाद क्या किया है कि फाइनल प्रेडिक्शन में काउंट ऑफ पी मतलब पॉजिटिव एंड मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव का काउंट अगर पॉजिटिव का काउंट अगर ज़्यादा है तो लाई डिटेक्टेड, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल डिटेक्टेड। अभी हार्ट रेट का क्या किया था, हार्ट रेट डिटेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हम रीड करते हैं, अगर ये डेटा 200 से ज़्यादा है तो यहाँ पे